तरती तन हुए अंबर सब पे दुख मुके सच्चे पात शान। हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुरुपूरब। एंड आई आयांश फ्रॉम क्लास 3 वेलकम यू ऑल टू टुडे स्पेशल असेंबली। गुरुपूरब इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, गुर व्हिच मींस गुरु और मास्टर एंड पूरब व्हिच मींस पर इन हिंदी मीनिंग डे। सो गुरुपूरब इज द डे डेडिकेटेड टू द गुरु। Festivities honoring Nanak Ji, the old Guru Purab, are centered around the birth anniversary of the 10 Sikh Gurus. On this auspicious day, our friends have prepared something special for you all. Come, let's have a look. Please welcome our friends to enlighten us about Mool Mantra, which is the first hymn in the Guru Granth Sahib. वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ मूल मंत्र। एक ओमकार। देयर इज वन गॉड। सत नाम। ट्रुथ इज हिज नेम। कर्ता पुरख। ही इज द क्रिएटर। निरपाओ निर्वैर। He is without fear and he is without hate. Akar Murat. He is timeless. Anjuni Se Bhang. He is beyond birth and death. Gur Prasad. He can be known as the Guru Grace. Jap. Meditate on his name. Anshat. He was true before the creation. Jugaat Sat. He was true when ages commenced. Habi Sat. He is true now. Nana Kosi Bhi Sat. He will always be true. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. You, Mool Mantra certainly delivers a great meaning in few words. On this wonderful day, we are overwhelmed to present a remarkable sakhi that captures the essence of Guru Nanak's teachings. Namaskar, मेरा नाम अधिराज खेड़ा है। मैं मैक्सवो स्कूल में तीसरी कक्षा का एक छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक साखी बोलने वाला हूँ जिसका नाम है मलिक भागो और भाई लालो। एक दिन गुरु नानक देव भाई मर्दाना के साथ एक स्थान पर पहुँचे। भाई करीब बड़े जिसका नाम भाई लालो था ने उन्हें दोपहर में भोजन पर आमंत्रित किया। वे उनके घर पर जाने के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद मलिक भागो जो गांव का एक अमीर जमींदार था ने भी गुरु नानक देव को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने गुरु नानक देव के लिए कई स्वादिष्ट पकवानों की व्यवस्था की थी। गुरु नानक देव ने भाई लालो के घर सूचना भिजवाई कि वह भी अपना भोजन लेकर मलिक भागो के घर आ जाए। दोपहर के समय मलिक भागो ने विभिन्न प्रकार के भोजन गुरुदेव को परोसे। तभी भाई लालो अपने हाथों में दो मक्की की रोटी लेकर आ गया। गुरुदेव ने भाई लालो की हाथों से दोनों रोटियां ले ली और खाने लगे। इस पर मलिक भागो ने गुरु नानक देव से पूछा, गुरु जी मैंने आपको इतना स्वादिष्ट भोजन परोसा, फिर भी आप इस गरीब आदमी के हाथ का साधारण खाना खा रहे हैं।
इस पर गुरु नानक देव ने मलिक भागो द्वारा परोसे गए भोजन में से पूरी का एक टुकड़ा हाथ में ले लिया तथा दूसरे हाथ में भाई लालो की मक्की की रोटी ले ली। उन्होंने रोटी और पूरी दोनों अपनी हथेली में दबाया। जिस हाथ में मलिक भागो की पूरी थी उसमें से खून की बूंदें गिरने लगी तथा दूसरे हाथ में भाई लालो की रोटी में से दूध की बूंदें टपकने लगी। यह देख वहां इतरित सभी लोग हैरान हो गए। तब गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए बोला, मलिक भागो, तुमने अपने यहाँ काम करने वालों पर को बहुत सताया, उन पर बहुत अत्याचार किया है। ये वही खून है जो तुम्हारी रोटी से निकल रहा है। दूसरी तरफ भाई लालो मेहनत करता है तथा अपनी मेहनत का खाता है तथा उसके भोजन में से दूध की बूंदें निकली। मलिक भागो, गरीब पर अत्याचार बंद करो, जरूरतमंदों की सहायता करो। रुपए पैसे जेवर आदि वास्तविक संपत्ति नहीं है, असली संपत्ति तो गरीबों की सेवा में है। यदि तुम ऐसा करोगे तो सदैव खुशहाल रहोगे। इस प्रकार मलिक भागो ने एक महान सबक सीखा जिसने उसके जीवन को पलट कर रख दिया। सत श्री अकाल। वाओ, इनक्रेडिबल। थैंक यू फॉर गिविंग द स्पिरिचुअल टीचिंग्स राइट अप टू द डोर। नाउ लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर lovely teachers as they are going to give a splendid performance in front of you all. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.
सबके पता Who
उस बाबे जगनु तारे। चलो चल गुरु माता लड़पड़ी च कण कण विच समाए ने। चलो चल गुरु माता लड़पड़ी च कण कण विच समाए ने। सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने। चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए।